I, Dr. Swati Pandey, faculty in AIIMS department as IIT Bhopal. In my today's lecture, I want to explain the one topic of transformer, that is open circuit test of single phase transformer. For doing this test, firstly you will have to draw the circuit diagram, that is designed here. This is the variac points. These two points represent the variac. Here you can see the first point of the variac is going in an ampere meter. And now second point of the variac is going in a voltmeter. Here the point which is connected to the ampere meter will also go in a voltmeter. And these two points of voltmeter is connected with the primary winding. And you can see that this is the secondary winding. So it will be open because we are doing the open circuit test. Now if you want to know that why we perform the OC test. So we perform the OC test for finding the iron losses of transformer. कि हमारे transformer में कितने iron losses हो रहे हैं, उसको find out करने के लिए हम open circuit test करते हैं। अब आप open circuit test जब करेंगे, तो इसको करने के लिए कुछ conditions हैं। कि firstly आप जब open circuit test कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हमारी secondary winding open है, तो यहाँ पर current की value आपको कितनी मिलेगी? Zero मिलेगी। इस test में जो पूरा use है, वो आपका किसका है? Voltmeter का। तो इस टेस्ट को आप करते हो रेटेड वोल्टेज में। अब आप बोलोगे कि रेटेड वोल्टेज कितना होता है, तो रेटेड वोल्टेज जो है सिंगल फेज, आप इसको टेस्ट को कर रहे हो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, तो सिंगल फेज का जो रेटेड वोल्टेज होता है वो होता है आपका 230 वोल्ट। कि आपको पूरा वैरिएक के थ्रू जो सप्लाई देनी है वोल्टमीटर में वो कितनी देनी है, 230 वोल्ट। जब आप इसमें सप्लाई दे दोगे उसके बाद आपको देखना है कि आपके कितने आयरन लॉसेस हो रहे हैं। तो इस टेस्ट को हम करते हैं रेटेड वोल्टेज पे। अब रेटेड वोल्टेज आपने निकाल दिया तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो किस तरीके से आती है, वी नॉट आई नॉट डब्ल्यू नॉट, जिसमें आपने वी नॉट आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, I नॉट ओपन सर्किट करंट है और W नॉट आपके क्या है, आयरन लॉसेस है। तो V नॉट आपका ऑलरेडी फिक्स हो गया जिसमें आपने दे दिया 230 वोल्ट। आप इसके अकॉर्डिंगली क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ओपन है तो हम जीरो बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्टीमीटर के थ्रू चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जो करंट की रीडिंग मिलती है वो 0.7 या 0.8 एम्पीयर आपको करंट की मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज आपको वाटमीटर लगाना है, तो वाटमीटर अगर हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, ये आपका वाटमीटर है, ये मैंने यहाँ पर वाटमीटर लगा दिया, तो जो वाटमीटर है वो वाटमीटर आपको दिखाएगा कि आपके इसमें आयरन लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो आयरन लॉसेस जब आप इस वाटमीटर के थ्रू इसकी रीडिंग देखोगे तो आपको इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 वाट के अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, आयरन लॉसेस मिलेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ